क्या इंडिया ने फेंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कम्प्रिहेंसिवली, इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब और गुड जॉब कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फेंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए, हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए अब ये वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। इनके इस अगर वो भी जीतते हैं तो इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं। अंडरडॉग स्टार्ट किया था लेकिन अब मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट अ वरी फॉर पाकिस्तान, इज़ अ वरी फॉर मैनी अदर कंट्रीज, बिकॉज इंडिया हैज़ अनाउंस्ड हिज अराइवल इन टू द वर्ल्ड कप, बिकॉज कि ये जो विन थी, ये जिस तरह इन्होंने मारा है, इनकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया है, तो सारे खाने टिक हो जाते हैं इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक पूरा है, स्पिनिंग अटैक पूरा है। स्पिन अटैक में देखें तो कप्तानी रोहित शर्मा की इम्प्रूव हुई, डेढ़ दो साल से गुमा हुआ रोहित शर्मा अभी प्रेजेंट है और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ, उनकी मैनेजमेंट और उनकी कैप्टनसी दोनों मिल के बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। कुलदीप को लाना टर्निंग पॉइंट तो सही है भाई साहब, ले आई, लेकिन मैनेजमेंट ने फैसला किया तभी आया ना, तो अच्छी सोच के साथ इंडिया आगे बढ़ रही है और इनके लिए ये ज़रूरी था कि ये फेंटी लगाए श्रीलंका को, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह मारेंगे। इंडिया नीड्स टू गो प्लेस ऑनवर्ड्स और यहाँ से आगे चलते हुए इंडिया कैन बी द मोस्ट डेंजरस साइड। अगर वो रोल लेता